होंगे तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का पीएनजी बॉर्डर लेवल बनाना सिखाऊंगा, जैसे आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की आप पीएनजी लेवल को कैसे बना सकते हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आपका तो सबसे पहले आपको चाहिए पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने वहाँ से आके डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पिक्सेल ऐप ओनली एंड्रॉयड के अंदर वर्क करती है, ये आईफोन के अंदर नहीं। इस ऐप को आप चला सकते, तो काइंडली आपने एंड्रॉयड के अंदर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो जहाँ से आपने डिफॉल्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ से 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, आपने 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमेज साइज के ऊपर आ जाना है, तो जहाँ से आपने इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप फोटो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैं 4x5 वाला कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट को ऊपर से रिमूव कर देना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ट्रांसपेरेंट के ऊपर आकर इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। करने के बाद आपने ऊपर प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ से आपने शेप के ऊपर आ जाना है। तो जहाँ से आपने फिंगर की मदद से इस तरह से एक शेप को बना लेना है। बनाने के बाद आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि आप जितना इसको रखना चाहते हैं आपने उतना रख लेना है। उसके बाद आप कलर के ऊपर आकर कलर भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ब्लैक रखें, वाइट रखें, जो भी आपका दिल कर रहा है। तो आपने उस तरह से कलर की एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, वाइट ही रहने देता हूँ। वाइट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ फर्स्ट वाले ए के ऊपर आकर, सॉरी सेकंड नंबर पे आकर जहाँ क्लिक करना है, और रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आकर इसको इक्वल कर लेना है शैडो से भी। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऊपर आकर जहाँ से आपने अपना इंग्लिश के अंदर नेम लिख लेना है। जैसे कि ये इस तरह से मैंने अपना नेम लिख दिया है। कोई आप यहाँ से एरो वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप एरो अपने ये लगा सकते हैं। लगाने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने ए के ऊपर आ जाना है, तो जहाँ से आपने आ जाना है और फोन के ऊपर आ जाना है। फोन के ऊपर आने के बाद आपने अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको फ़ोन अच्छा लगे। जैसे कि ये काफ़ी अच्छे फ़ोन है, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के आपको काफ़ी मिल जाते हैं, ये वाला भी चलता है। तो यहाँ से मैं ये वाला अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ शेडो का ऑप्शन मिल जाता है। शेडो आपने इसको नॉर्मल दे देनी है। देने के बाद अगर ज़्यादा दे देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। आपने नॉर्मल देने के बाद आपने करना क्या है, स्पेस के ऊपर आना है। इसकी स्पेस थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेटर के स्पेस के थोड़ी सी कम कर दें, तो आप देख लें आपको कैसे अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है, और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा कम करना है। कम करने के बाद यहाँ से आपने फिर रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आकर इसको सेंटर में इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, तो आपने जहाँ से अगर आपने फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर इस तरह से आपने ऑटो पे रखकर इसको अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो ये सेव हो जाएगा, तो ये जब सेव हो जाएगा तो अगर कोई ऐड वगैरह आए तो आप स्किप कर दें ऊपर से। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जहाँ से आ जाना है 4 ऑप्शन पे आ जाना है, और उसके बाद फ्रॉम गैलरी के ऊपर आ जाना है। फ्रॉम गैलरी के ऊपर आने के बाद आपने अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से फ़ोटो को आपने साइज़ को इक्वल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। जैसा कि इस तरह की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक पे जा रही है, वायरल भी हो रही है, और बहुत ही अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। उसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर आना है, न्यू टेक्स्ट ले लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपने यहाँ से अपना लिख लेना है, जो भी आप लिखना चाहें। तो जैसा कि मैंने ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, आपने अपने जो भी लिरिक्स होंगे आपने वो लिख लेने हैं।
उसके बाद ए के ऊपर आकर आपने कलर के ऊपर आ जाना है, कलर आपने इसका ब्लैक रख लेना है। अगर आप कोई इमोजीज भी साथ यूज कर सकते हैं कर रहे हैं तो आपने फिर यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इमोजीज को सिलेक्ट करने के बाद आपने आईफोन वाली इमोजी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ये उर्दू भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई और अच्छा सा फ़ोन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी फ़ोन मिल जाते हैं जो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, तो आपने वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेने हैं। तो इस तरह से आपने ये सभी आपको फ़ोन और सभी कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, तो आपने उसको जाकर देख लेना है। यहाँ से मैं जमील नूरी वाले को अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपने फिर आ जाना है, जहाँ से आपको मिल जाता है बोल्ड का ऑप्शन, जहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर बोल्ड नहीं करना है तो सिंपली आपने यहाँ थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ से आपको मिल जाता है स्ट्रोक का ऑप्शन। आप इसको स्ट्रोक भी देख सकते हैं, नॉर्मल आपने इसको स्ट्रोक दे देनी है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ से स्पेस आपने इसकी कम कर देनी है। जब स्पेस कम करेंगे तो आपने उसके बाद ऐसे जूम करेंगे तो इसका आपका बहुत ही अच्छे और बोल्ड वाले ये आपके लिरिक्स आएंगे नज़र। तो जैसा कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ और उसके बाद इस तरह से हमारी ये फ़ोटो बनकर तैयार हो जाएगी। आपने ऊपर सेव के ऊपर आकर इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर 18 पे रखकर। उसके बाद अगर आप डेली बना रहे हैं वीडियो तो आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से फिर ट्रांसपेरेंट कर लिया करनी है अपनी फ़ोटो को। उसके बाद न्यू फोटो ऐड कर कर उसके बाद आपने अपनी ये टेक्स्ट को ये पहले वाले को रिमूव कर कर आपने न्यू टेक्स्ट लगा देना। उसके बाद आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।